दोस्तों नमस्कार, जय सी एल सी। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो, 31 जनवरी 2016 को कारोबार शुरू हुआ था आपके अपने सीएलसी का, जो 31 जनवरी 2021 को 25 साल कंप्लीट करने जा रहा है। तो ये हमारा स्वर्ण जयंती काल ये रहे साल, 25वां साल हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया कोरोना ने, कोई बात नहीं, हम रुक नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, तो क्या करें। मैंने कहा पिछले कई दिनों से बात चल रही थी हमारे अक्स सीएलसी से बात कैसे करें, तो फिर ये लाइव क्लासेज, वीडियो क्लासेज, ऑनलाइन फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से। तो फिर सभी ने कहा क्यों ना इसी प्लेटफॉर्म को हम यूज करें। तो आज एक विशेष वीडियो में शूट करने जा रहा हूं मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 96 से लेके 2020 तक सीएलसी में स्टडी कर चुके हैं, 21 तो कर रहे हैं अभी। अब यहां भी दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक तो वह है जो सीएलसी में तैयारी करने आए मेडिकल और आईटी एनआईटी की, जो सिलेक्ट हो गया मेडिकल एमबीबीएस में, सिलेक्ट हो गया आईटी में, सिलेक्ट हो गया एनआईटी में। उनका तो हमने बाकायदा विजयोत्सव के माध्यम से सम्मान हमेशा किया, छाण में से किया हमेशा। आप जानते हो 96 में भी सीएलसी का विजयोत्सव हुआ था। लेकिन दोस्तों बहुत से बच्चे थे जो उस समय हो सकता सिलेक्ट नहीं हो पाए मेडिकल में, नहीं हो पाए इंजीनियरिंग में, आईटी एनआईटी में। तो मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकारता हूं, उसका कोई, उन बच्चों का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे हम लोग सम्मान नहीं कर पाए, जबकि उनमें से बहुत से बच्चे बहुत बढ़िया सेट हैं आज। तो एक दिमाग बात आई कि सीएलसी के सारे बच्चों की दो कैटेगरी कर दें, एक वो सीएलसी जो जब सीएलसी में थे उस समय आईटी मेडिकल में सिलेक्ट हो गए, और एक वो सीएलसी जो इन एग्जाम में सिलेक्ट तो नहीं हो पाए लेकिन जिंदगी में सिलेक्ट हुए, इन एग्जाम में सफल तो नहीं हो पाए पर जिंदगी में सफल हुए, आज उनसे बात कर रहा हूं। दोस्तों 5 जून शाम 6:30 बजे सीएलसी सीकर फेसबुक पेज पे मैं आपके लिए लाइव आऊंगा। तो आपसे एक निवेदन है, हाँ पूरी बात अगली कर दूं, ये उन बच्चों के लिए है जो उसमें सिलेक्ट नहीं, जो बियॉन्ड सिलेक्शन थे, और जो सिलेक्ट हो गए थे उनके लिए आएंगे अगले फ्राइडे को 12 जून को। तो जो बच्चे उस समय सिलेक्ट नहीं हुए उनसे बात कर रहे हैं 5 जून शाम 6:30 बजे, 5 जून 2020। जो सिलेक्ट हो गए थे उनसे बात करेंगे 12 जून 2020 6:30 बजे सीएलसी सीकर फेसबुक पेज के ऊपर लाइव प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अब इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जिसके पास पहुंच रहा है, और आप खुद या आपके संपर्क में ऐसा कोई हमारा सीएलसी है, तो प्लीज मेरा मैसेज उस तक पहुंचाना। आपको भी कह रहा हूं और आप भी आगे कहें कि वो बच्चे मेरे, वो स्टूडेंट, फिर से कह दूं, जो आईटी मेडिकल एनआईटी में नहीं गए उनका है 5 जून को, जो सिलेक्ट हो उनका है 12 जून को। वो मेरे मोबाइल नंबर पे 9928733888 या 9414037884 पे अपना नाम, प्रेजेंट में आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो किस पोस्ट पे हैं, पोस्टिंग कहाँ है, सीएलसी में आप कौन से बैच में थे, अपना पूरा एड्रेस सहित मुझे इस पे व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपके नाम कोट कर पाऊं। और मजा तब आए दोस्तों जब आप 50 से 70 सेकंड का या 1.25 मिनट बोल दें एक सीएलसी के संस्मरण का एक वीडियो बना के मुझे भेजें ताकि मैं उसको लाइव में शेयर कर सकूं। मैं लाइव में शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज पे उसको हम लोग पोस्ट करेंगे। कहने का भाव ये है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे सीएलसी की जुबानी, सीएलसी की सफलता की, सीएलसी के संस्मरण, सीएलसी ने क्या किया स्टूडेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए, इस शेखावटी बेल्ट के लिए, फिर राजस्थान बेल्ट के लिए, फिर पूरे उत्तरी भारत के बेल्ट संभाग के लिए क्या आहुति रही सीएलसी की। मैं चाहता हूं आपकी जुबानी अपनों के बीच जाए, अपनों की बात अपनों के बीच जाए। तो 5 जून को उन बच्चों से जो उस समय मानते थे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 12 जून उन बच्चों के नाम, मैं तो बच्चे कहूंगा, उनमें से बहुत आईएएस बन चुके पर हमारे तो बच्चे रहेंगे वो, 12 जून हमारे उन बेटे बेटियों के नाम। आप दोस्तों अब्रोड रहते हैं, विदेश में कहीं रहते हैं, बहुत से बच्चे हमारे गांव में सरपंच बन गए, बहुत से लोग पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, खुद अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आप जहां भी हैं सेट हैं। मुझे पता है सीएलसीएन कभी असफल हो ही नहीं सकता, सच्चा सीएलसीएन जो बन गया एक बार वो जिंदगी में कहीं मात खा ही नहीं सकता। तो मेरी बात का सार ये है कि जो आईटी एनआईटी मेडिकल सेलेक्ट नहीं हुए थे वो 5 जून को अपना मैटर भेजे मेरे को, 5 जून से पहले, मतलब परसों से पहले, अभी बात कर रहा हूं आपसे 3 जून 2020 को। और जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे निवेदन है वो 6 जून के बाद प्लीज भेजना स्टार्ट करें ताकि आपको दिखाया जाएगा 12 जून के एपिसोड में। और जो भी सुन रहे हैं आपके संपर्क में जो भी सीएलसी हैं, इतना सा काम अपने बोस का करना,
मेरी बात दोस्तों वहां तक पहुंचा देना और अपने बारे में पूरा लिख के भेजें 9928738888 9414037884। बोलो हाँ आना। वैसे दोस्तों मैं डेली 6:30 लाइव आता हूँ CLCC करी फेसबुक पेज पे, मेरे बहुत से बच्चे देखते हैं, बहुत से बच्चे मैसेज आते हैं, बहुत में टीचर लगा हुआ हूँ, बहुत में गांव में सरपंच बन गया, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं अब्रोड रहता हूँ, मैं मेरा खुद का बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों ये प्रेरणा अगली पीढ़ी को जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये 25वां साल के दौर में आपकी CLCC गुजर रही है। 31 जनवरी 2021 को जब 25 साल मनाएंगे तो हमारे साथ बड़ा प्रोग्राम था, लॉकडाउन नहीं होता तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया था पूरा हमने एलुमिनी मीट के नाम पे, पूर्व छात्र परिषद के नाम पे, लेकिन लोग कोरोना ने तो डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए कोई बात है रुकना जानते नहीं, तो इसको हम ऑनलाइन लेके आ गए। क्लियर? तो निश्चित रूप से आप सब लोग अपने बॉस की बात को समझेंगे और इसको आगे स्प्रेड भी करेंगे, आगे फैलाएंगे भी और मुझे रेस्पॉन्स भी देंगे ताकि मैं मेरे काम को और बेटर कर सकूं। मैं आपका मोटिवेशन हूं, आप मेरे मोटिवेशन हैं, हम दोनों पूरक एक दूसरे के, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ओके, ठीक हो? और 9928738888 का पर्सनल नंबर है बेटा जी। तो मेरी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद है 5 जून और 12 जून को मैक्सिमम संख्या में जुड़ेंगे, मिलेंगे, सुनेंगे, डिस्कस करेंगे और मेरे पास जो वीडियो आपके आएंगे उन सबको हम लोग डिस्प्ले करेंगे और आगे भी हमारे सोशल मीडिया पर उन सबको हम डिस्प्ले करना चाहेंगे ताकि 31 जनवरी 2021 को हमारे पास एक अच्छा सा मैटर आ जाए अपनी माँ CLCC के लिए, अपने CLCC के लिए, जिस पे हमें फक्र है, फक्र था और फक्र रहेगा। ओके, थैंक यू। जय CLCC।